एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हफ्सा कुक बुक। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन ब्रेड की रेसिपी, जो कि बहुत मज़े की रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। चलें हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चिकन ब्रेड की डो बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, 2 कप ऑल पर्पज फ्लावर लिया है, 1 मीडियम साइज एग, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, 2 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट, 1 कप नॉर्मल वाटर, 1.5 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून शुगर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट। अब हम एक बड़ा बाउल लेंगे और अपना फ्लावर जो है वो इसमें डाल लेंगे। अब मैं इसमें मिल्क ऐड करूंगी, जो कि पाउडर मिल्क है। हम इसमें अंडा भी शामिल कर देंगे, इंस्टेंट यीस्ट भी ऐड कर देंगे, ऑयल, सॉल्ट, शुगर। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद किसी भी फोर्क की हेल्प से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएंगे तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। देखिए, पानी हम आराम आराम से डालेंगे, एक ही दफ़ा सारा पानी नहीं डाल देंगे। उससे हमारी डो बहुत ही पतली हो जाएगी, जो कि हैंडल नहीं होगी और जो कि राइस भी ठीक से नहीं होगी। इसको अब हम हाथों से अच्छे से गूंद लेंगे। ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा और पानी लेंगे। और इसको किसी भी साफ़ जगह के ऊपर डाल लेंगे, ताकि हम इसको और बेहतर तरीके से गूंद सकें। इसको गूंदना थोड़ा सा टेक्निकल है। आपको डो को तब तक गूंदना है जब तक डो सारी अच्छी सी स्मूथ सी लुक ना दे, जब तक डो सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से आपने इसको अच्छे से गूंद लेना है और ये हमारी डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखें, हमारी डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं एक बाउल लूँगी जिसमें मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड किया है, और मैं डो उसमें रख के इसको कवर करके 2 घंटे के लिए किसी भी वॉर्म प्लेस पे रख दूँगी, ताकि हमारी डो अच्छे से राइज हो जाए। जब तक हमारी डो राइज होती है, तब तक के लिए हम चिकन ब्रेड की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने ये 150 ग्राम चिकन लिया है, जिसको बॉयल कर लिया है और उसको मैंने श्रेड कर लिया है। मैंने एक छोटा सा अनियन लिया है, छोटी सी शिमला मिर्च है उसको भी मैंने चॉप कर लिया है, एक छोटा टमाटर लिया है, मैंने एक सब्ज़ मिर्च ली थी ग्रीन चिली उसको भी छोटा छोटा चॉप कर लिया है। इसमें हम 2 टेबल स्पून ऑल पर्पज फ्लावर भी यूज़ करेंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 1.5 टीस्पून काली मिर्च ली है, ब्लैक पेपर, 1 कप मैंने मिल्क लिया है। इन सब चीज़ों की हेल्प से हम चिकन ब्रेड की फिलिंग तैयार करेंगे। एक पैन में हम 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, और जो हमने प्याज चॉप की हुई थी वो इसमें डाल के उसको अच्छे से सौदे कर लेंगे। हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना, हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको कुक करना है। अब हम इसमें कैप्सिकम ऐड कर देंगे, उसको भी हमने फ्राई नहीं करना, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे हल्के से कुक करना है। टमाटर और ग्रीन चिली भी ऐड कर देंगे। सब्जियों को अच्छे से सौदे कर लेंगे। अब मैं इसमें ऑल पर्पज फ्लावर जो मैंने 2 टेबल स्पून लिया था वो इसमें ऐड कर दूंगी, और इसकी फ्लेम और लो कर दूंगी, और इसको बहुत हल्के से पकाना है ताकि हमारा मैदा जल ना जाए। अब जो 1 कप दूध लिया था वो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। ध्यान रखें कि आपका फ्लेम बहुत लो होना चाहिए, अगर आपका फ्लेम हाई होगा तो कभी भी इतनी अच्छी सॉस नहीं बनेगी। ये देखिए, हमारी सॉस कितनी अच्छी बन गई है। और इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए मैं इसमें 1/2 कप वाटर और ऐड कर रही हूँ। हमारी ये वाइट सॉस ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसमें वो ब्लैक पेपर ऐड कर दूंगी,
सॉल्ट ऐड करेंगे और जो चिकन हमने बॉईल करके श्रेड किया था वो इसमें ऐड करके इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। ख्याल रखें कि आपकी फिलिंग बिल्कुल भी पैन में ना लगे या जले मत। ये हमारी फिलिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी हुई है। हमारी डो राइज हो गई है और अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसको बेल लेंगे, लेकिन इसको हमने गोल नहीं बेलना, लंबी शेप में बेलना है, बिल्कुल इस तरह से। हम फिलिंग को दरमियान में एडजस्ट करेंगे, बिल्कुल इस तरह से इसको दरमियान में सेट कर लेंगे। और किसी भी कटर या नाइफ की हेल्प से हम साइड पे कट करना शुरू करेंगे, लेकिन ख्याल रखें कि हमारे कट्स जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हों। इसके बाद ऊपर के पार्ट को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसको लेफ्ट और राइट के सीक्वेंस के साथ इनको कवर करते जाएंगे। एक स्ट्रिप लेफ्ट साइड की और एक स्ट्रिप राइट साइड की करते हुए हम इसको कवर कर लेंगे। और ये देखें, हमारी चिकन ब्रेड जो है वो बिल्कुल तैयार है अवन में जाने के लिए। एक पैन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसमें चिकन ब्रेड रख के एक अंडे को अच्छे से बीट करके इसके ऊपर